हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको अपने फ़ोन के अंदर अपनी स्मार्ट कॉल सेटिंग करनी है तो कैसे करेंगे। इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो में बहुत सिंपल स्टेप रहने वाले हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन के अंदर आप कॉल सेटिंग कर सकते हैं। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं अपने फ़ोन के अंदर आप कॉल सेटिंग कैसे करेंगे। कॉल सेटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपना डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो जाता है, इस पर जाकर सेटिंग ओपन कर लेंगे। अपने फर्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है यहाँ से अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश कॉल का। सिंपली आपको पहला ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है अपने फ़ोन के अंदर फ्लैश और फॉर कॉल। जब आपके पास कोई कॉल आएगी तो आपकी फ्लैश लाइट ब्लिंक करेगी, जब आप इसे ऑन कर देंगे तो आपके लिए काम करता है। सेकंड ऑप्शन मिल जाता है ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, इसे आप ऑन कर देंगे तो आपके फ़ोन के अंदर ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। विदाउट नोटिफिकेशन आप किसी की कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर आपको मिल जाता है माई वीडियो शो, ये काफ़ी यूनिक फीचर है, इसे आप जरूर से ट्राई करें। माई वीडियो पर जाएंगे, इसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन दो मिल जाता है, जब आपके पास कोई कॉल आएगी तो आपको वीडियो देखने को मिल जाती है, जिस तो आपको डिफॉल्ट का देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास फोन में कोई वीडियो हो तो वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाती है। इस प्रकार से जो वीडियो आपके फ़ोन में है वो आपको स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई देगी। ये हमारे फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, अदर कोई वीडियो नहीं है। अगर आपके पास कोई वीडियो तो प्लस के आइकन पर जाके यहाँ से आप उसे चेंज कर देंगे। आप इस प्रकार से जाके यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे जो भी वीडियो आपके फ़ोन में हो। तो हमारे फ़ोन में फिलहाल कोई वीडियो नहीं है, इस प्रकार से चेंज कर लेंगे। यहाँ से बैक आ जाएंगे, नेक्स्ट फीचर मिल जाता है आपको हरेसमेंट फिल्टर, यहाँ से जाके आप कॉल ब्लॉक कर सकते हैं। किसी भी नंबर की कॉल आप ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जिसमें अभी सिम कार्ड नहीं है, सिम डालने के बाद ये वाले फीचर आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल नंबर ब्लॉक करना है तो सिंपली आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ब्लैक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट पर जाएंगे तो यहाँ से आपको प्लस का नंबर मिल जाता है, इस पर जाके कोई नंबर आप एंटर कर देंगे जो कि आपको ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एक नंबर ब्लॉक कर सकते हैं। इन फ्यूचर का भी आपको इसे अनब्लॉक करना हो तो इस पर जाके क्लिक करेंगे, इसे कर देंगे रिमूव, अभी आपके नंबर अनब्लॉक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप एक कोई भी नंबर को ब्लॉक कर सकते हैं और उसे अनब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है तो यहाँ मिल जाता है सिम एंड नेटवर्क सेटिंग, सिम की एंड नेटवर्क सेटिंग कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमारे फोन में सिम कार्ड नहीं है। उसके बाद आपकी फी सेटिंग सारी ओपन हो जाएगी सिम कार्ड डालने के बाद, तो आप सिम डालेंगे तो आपको सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट फीचर आपको मिल जाता है साउंड एंड वाइब्रेशन, सिम में जाके अपने सारे साउंड को आप कस्टमाइज करके यूज कर सकते हैं, जो भी साउंड आपको चाहिए वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। कॉलर आईडी डिस्प्ले मिल जाती है, सिंपली आप इस पर जाएंगे, इसमें जाने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाता है जब आपके पास कॉल आती है तो आपकी स्क्रीन पर कैसे शो होनी चाहिए, पॉपअप विंडो में या फुल स्क्रीन पर। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपकी फुल स्क्रीन शो होगी, यहाँ से आपको पॉपअप विंडो मिल जाएगी। हम जो भी आपको अच्छी लगती है फुल स्क्रीन या पॉपअप हम उसे सेट कर लेंगे, तो हमने फुल स्क्रीन पर सेट कर दी अपनी कॉल। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है एडवांस सेटिंग, इसमें आपके काफ़ी यूनिक फीचर मिल जाते हैं जिन्हें आप जरूर से ट्राई करेंगे अपने फोन के अंदर, कमाल के फीचर रहने वाले हैं। पहला ऑप्शन मिल जाता है आंसर कॉल यूजिंग विद फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट से आप अपनी कॉल को आंसर कर सकते हैं। जब आपके पास कोई कॉल आती है तो सिंपली आपको जो फिंगरप्रिंट है उससे अपनी कॉल को आप आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है कॉल रिकॉर्डिंग यूजिंग फॉर फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट टच करेंगे आपकी कॉल रिकॉर्ड आंसर हो जाती है कॉल के दौरान, दोबारा टच करेंगे फिंगरप्रिंट से आपकी जो कॉल रिकॉर्ड हो रही है वो आपकी स्टॉप हो जाती है। इस प्रकार से फिंगरप्रिंट से अपनी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं। पावर बटन टू एंड कॉल, इसे ऑन करने से भी अगर आप कॉल के दौरान में अपना पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपकी कॉल एंड हो जाती है, पावर बटन से आप अपनी कॉल को एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है वाइब्रेट व्हेन आंसरिंग एंड डिक्लाइन कॉल, इससे क्या होता है जब आपके पास कोई कॉल आती है उसे आप आंसर करते हैं या कॉल एंड होती है तो आपके फ़ोन में एक वाइब्रेशन होता है ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ अब हमारी कॉल एंड हो चुकी है या कॉल अब आपकी आंसर हो चुकी है। नेक्स्ट फीचर मिल जाता है कॉल टाइमर का रिमाइंडर मिल जाता है, कॉल टाइमर का रिमाइंडर जो भी आप सेट करना चाहते हैं वो यहाँ से जाके सेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फीचर मिल जाता है आपको अपने फ़ोन के अंदर स्पीड डायल, स्पीड डायल में क्या है आपको 1 से लेकर 9 तक अपने फ़ोन में नंबर देखने के लिए मिल जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे हमारे फ़ोन में वॉइस मेल सेट है जो कि ऑटोमेटिकली आता है। सेकंड नंबर पे आप इस पर जाके क्या करना है, यहाँ आपको मिल जाता है लॉन्ग प्रेस कर लेना आपको ऐड कॉन्टैक्ट करने बाद, जिसमें आपको कोई भी, जैसे आप 2 नंबर पर जाएंगे अभी हमारे पास में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से जाके सर्च करके कोई भी एक कॉन्टैक्ट सर्च कर देंगे, जो भी आपको सर्च करना हो इस प्रकार से वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन हमारे फ़ोन में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट कर देंगे। उस कॉन्टैक्ट को सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको डायलर ओपन कर लेना है। डायलर ओपन करने के बाद जहाँ आपके 2 नंबर होता है सिंपली आपको उस 2 को लॉन्ग प्रेस कर रहा है, इस प्रकार से लॉन्ग प्रेस रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कॉल आपको लग जाएगी उस व्यक्ति जिसका आपको नाम सेट किया है 2 नंबर पे। तो इस प्रकार से आप स्पीड डायलर को यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएंगे तो यहाँ आपको एक फीचर मिल जाता है फ्लिप टू म्यूट, इस पर जाएंगे इसे आप देख सकते हैं। आपके पास कोई कॉल आती है अपने फ़ोन को फ्लिप कर देंगे तो आपकी वह कॉल म्यूट हो जाती है, जो उसकी रिंगटोन बज रही है वो बंद हो जाती है। इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम बैक आ जाएंगे, नेक्स्ट फीचर मिल जाता है राइज टू ईयर, राइज टू ईयर से क्या है जैसे आपके पास कोई कॉल आती है आप अपनी कॉल को आंसर करने के लिए सिर्फ अपने फ़ोन को अपने कान के पास तक ले जाएंगे, इसे आप ऑन कर लेंगे, जो आपकी कॉल है उसे अपने फ़ोन को कान के पास तक ले जाएंगे तो आपकी कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी इसे ऑन करने के बाद।
बैक आ जाएंगे, नेक्स्ट फीचर मिल जाता है आंसर कॉल विद जेस्चर। जेस्चर से अपनी कॉल को कैसे आंसर करना है आपको, सिंपली आपको इसे ऑन कर देना है। इसे ऑन करने बाद आपके पास कोई कॉल आती है तो सिंपली आप टू फिंगर से अपनी कॉल को शो करेंगे, अपनी कॉल आंसर हो जाएगी। अगर अपनी कॉल रिजेक्ट करनी है आपको तो रिजेक्ट करने के बाद कॉल रिजेक्शन जेस्चर मिल जाता है, पाँचों फिंगर शो करेंगे और आपकी कॉल रिजेक्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आप अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये थी हमारे फ़ोन की कुछ यूनिक कॉल सेटिंग जिन्हें आप अपने फ़ोन में सेट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप भी अपने फ़ोन के अंदर कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।